हेलो, आज हम इस वीडियो में स्लाइड शो टैब के बारे में जानेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने स्लाइड शो टैब के स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप के बारे में जाना। इस वीडियो में हम सेटअप ग्रुप, जिसमें कि हम सेटअप स्लाइड शो कमांड और हाइड कमांड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सेटअप स्लाइड शो कमांड को जानेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सेटअप शो हमारे पास डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद सबसे पहले है हमारे पास शो टाइप। तो शो टाइप में हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट रहता है, ये प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर फुल स्क्रीन, स्पीकर के जरिए के साथ फुल स्क्रीन यहाँ पे शो हो। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन में आएगा। ये देखो, ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद जब हम इसका स्लाइड शो देखेंगे F5 बटन क्लिक करके, ये देखो ये पूरी स्क्रीन में आ रहा है। ये देखो पूरी स्क्रीन में ये आ रहा है। तो इस प्रकार हम इसका यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो पे हम इसको फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल विंडो यहाँ पे देखना चाहते हैं, ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो, तो ये क्या होगा, फुल स्क्रीन में नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पे इसको चेक किया। चेक करने के बाद ओके पे क्लिक किया। जब इसका स्लाइड शो देखेंगे, ये देखो स्लाइड शो देखा तो ये पूरी स्क्रीन में नहीं आएगा। ये देखो ये यहाँ से कट है, ये यहाँ से कट है, ये हमारे पास स्टेटस बार भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे टास्क बार भी दिखाई दे रही है। तो ये पूरी स्क्रीन में नहीं आएगा। इसके बाद आगे अगर हम ये तीसरे को सेलेक्ट करेंगे तो ये भी जैसे हमारा फर्स्ट ये सिलेक्ट था वैसे ये भी शो करेगा, ब्राउज्ड एट ए कियोस्क फुल स्क्रीन। तो ये पूरी स्क्रीन में ये भी शो करेगा। जैसे ओके पे क्लिक किया और इसका स्लाइड शो देखा तो ये भी पूरी स्क्रीन में दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम यहाँ से कमांडे यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कौन सी यहाँ पे हमने सेलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पे ही क्लिक करके रखेंगे। इसके बाद आगे है हमारे पास शो ऑप्शन, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन को करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइडों के लिए यहाँ पे टाइम सेट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे यहाँ से और ट्रांजेक्शन टैब यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको अनचेक करेंगे, आफ्टर को चेक करेंगे। और यहाँ पे हमने टाइम सेट किया, जैसे कितने सेकेंड्स के बाद आनी चाहिए, जैसे 1 सेकेंड्स के बाद ये स्लाइडें आनी चाहिए। अप्लाई टू ऑल यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे स्लाइड शो पे जाएंगे। स्लाइड शो पे जाने के बाद हम सेटअप स्लाइड शो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लूप कंटिन्यूसली अनटिल एस्केप, इसको यहाँ से लेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये जो प्रोसेस है स्लाइड शो का तब तक चलता रहेगा जब तक हम कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस नहीं करेंगे। ये देखो ये बार बार रिपीट होता रहेगा प्रोसेस जब तक हम कीबोर्ड से इसको एस्केप की प्रेस नहीं करेंगे। लूप कंटिन्यूसली अनटिल एस्केप, यहाँ पे हमने इसको चेक किया। चेक करने के बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो जब हम कीबोर्ड से F5 स्लाइड शो के लिए प्रेस करेंगे तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। ये देखो F5 प्रेस किया, ये देखो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक हम कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस नहीं करेंगे। ये देखो ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे। ये देखो तो ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। या नहीं चाहिए ये, हमें बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम इसको अनचेक कर देंगे। इसके बाद अगली जो हमारी कमांड है, अगला जो ऑप्शन है, शो विदाउट नरेशन। तो ये करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बंद करेंगे और ये जो टाइमिंग हमने यहाँ पे सेट की थी इसको यहाँ से अनचेक करेंगे और यहाँ से ऑन माउस क्लिक के इसको यहाँ से अप्लाई करेंगे और अप्लाई टू ऑल। और इसके बाद स्लाइड शो पे जाएंगे और सेटअप स्लाइड शो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है शो विदाउट नरेशन, तो पहले क्या करेंगे, इसमें कोई नरेशन लगाएंगे। तो इसके लिए हम ये यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे हमने क्लिक किया
और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा रिकॉर्ड करेंगे हम। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक किया। रिकॉर्डिंग करने के बाद माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ से हम पेन लेंगे और यहाँ से कुछ भी हम बनाएंगे। जैसे ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और ये हमने लाइनें वगैरह यहाँ पे बनाई। तो ये जो है जितना भी हमने काम किया ये यहाँ से रिकॉर्ड हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको एस्केप की प्रेस की, तो ये जो है हम यहाँ पे रिकॉर्ड हमने कर लिया है। तो इसके बाद अगर हम इसका स्लाइड शो देखेंगे, ये तो रिकॉर्डिंग स्लाइड यहाँ शो पे में क्लिक देखो, किया। ये जितना भी है रिकॉर्डिंग ये करने के यहाँ बाद पे माउस को रिकॉर्ड खींचेंगे हो गया है। और यहाँ ये से देखो, कुछ भी हम ये बनाएंगे, यहाँ पे जैसे चल ये रहा है ये। हमने यहाँ पे क्रिएट किया तो और ये हमने ये काम हमने लाइनें यहाँ वगैरह पे यहाँ पे किया बनाई। था। तो ये तो जो है ये जितना भी काम हमने जो भी हमने काम यहाँ किया पे ये बनाया यहाँ है से वो रिकॉर्ड हो यहाँ पे गया। चलेगा। तो यहाँ पे हमने तो हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि ये काम हमें दिखाई ना दे, ये काम जब हम स्लाइड शो करें तो ये काम हमें दिखाई ना दे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे शो विदाउट नरेशन यहाँ पे इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की, ये रिकॉर्डिंग इसके बाद नहीं चलेगी। यहाँ पे हमने इसको चेक किया, तो चेक करने के बाद शो विदाउट नरेशन, तो बिना नरेशन के ये दिखाई देगा। तो ये जो रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे की थी, ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं आएगी। ये देखो, यहाँ पे चेक किया और इसके बाद ओके पे क्लिक किया। फिर हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब हम इसको स्लाइड शो करेंगे, ये देखो स्लाइड शो किया, तो ये रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे नहीं आएगी। ये देखो, ये रिकॉर्डिंग अब यहाँ पे नहीं चलेगी। तो हमने इसको रिकॉर्डिंग को यहाँ पे बंद कर दिया है, रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं आएगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ये जो है चेक करके इसको बंद भी कर सकते हैं। फिर हम इसको अनचेक करेंगे। अनचेक करने के बाद हम ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे लेंगे, शो विदाउट एनिमेशन। तो शो विदाउट एनिमेशन इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने एनिमेशन लगाया हुआ है तो हम बिना एनिमेशन के भी इसको शो करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ से हम इसको अंडू करेंगे। ये भी हमने यहाँ पे इसको अंडू कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको एनिमेशन लगा देंगे। जैसे कोई भी, ये हमने फर्स्ट स्लाइड के लिए कोई भी एनिमेशन यहाँ पे लगा दी, जैसे ये व्हील वाली एनिमेशन यहाँ पे लगा दी। अब सेकंड के लिए हमने कोई भी एनिमेशन लगा दी, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, सेकंड के लिए हमने ये यहाँ से कोई भी एनिमेशन लेते हैं, जैसे ये एनिमेशन यहाँ पे लगा दी। इसके बाद थर्ड है, इसके लिए भी कोई भी एनिमेशन लगानी है, यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे कोई भी एनिमेशन इसके लिए ये लगा दी। तो ये लगाने के बाद फोर्थ के लिए भी हमने एनिमेशन लगानी है, यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद इसके लिए भी एनिमेशन यहाँ पे, ये एनिमेशन यहाँ पे हमने लगा दी। और फिफ्थ के लिए भी हमने यहाँ पे एनिमेशन लगानी है, तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कोई भी एनिमेशन यहाँ पे फ्लाई इन, ये एनिमेशन यहाँ पे लगा दी। तो ये सारी एनिमेशन यहाँ पे हमने लगा दी। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पे हमने इसको सेलेक्ट किया स्लाइड को, और जब हम इसका स्लाइड शो देखेंगे तो ये देखो सभी में ये एनिमेशन आ जाएगी, जो जो हमने एनिमेशन लगाई थी वो एनिमेशन यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो, इसमें एनिमेशन ये लगी हुई है, अगले में एनिमेशन जो हमने लगाई हुई है ये लगी हुई है, इससे आगे जो एनिमेशन है ये लगी हुई है। तो जो जो हमने एनिमेशन लगाई हुई है वो एनिमेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो ये अगर हम चाहते हैं कि ये एनिमेशन जब हम स्लाइड शो करेंगे तो ये एनिमेशन ना आए, तो हम क्या करेंगे, सेटअप स्लाइड शो पे जाएंगे और शो विदाउट एनिमेशन यहाँ पे चेक करेंगे, और इसको यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। और जब हम यहाँ से स्लाइड शो करेंगे तो ये एनिमेशन यहाँ पे नहीं आएगा। ये देखो, बिना एनिमेशन के ये स्लाइडें आ रही हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ से, अगर हमने एनिमेशन लगाया हुआ है तो हम एनिमेशन यहाँ से हटा सकते हैं। तो इसको फिर हम यहाँ पे अंडू करेंगे। ये देखो, सारा एनिमेशन यहाँ से हमने हटा दिया। इसके बाद आया अगली कमांड है हमारे पास, डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन। अगर हम हार्डवेयर ग्राफिक्स को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो वो यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद है पेन कलर, और उसके बाद है लेज़र पॉइंटर कलर। तो ये क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे रेड यहाँ पे कलर आया हुआ है, पेन कलर रेड है,
यहाँ पे लेजर पॉइंटर कलर ये भी रेड है। पेन कलर यहाँ पे चेंज करेंगे, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं कौन सा कलर चाहिए, जो भी कलर चाहिए वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हमें कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पे रखते हैं ग्रीन कलर, ये ग्रीन आ गया, पेन कलर ग्रीन आ गया। और लेज़र पॉइंटर कलर ये कौन सा चाहिए, ये भी चेंज करना है। जैसे यहाँ पे ये चाहिए हमें ब्लू, तो ये कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दो कलर हमने यहाँ पे सेट कर दिए। सेट करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, तो ओके पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो पेन कलर है वो ग्रीन आएगा, जो लेज़र पॉइंटर कलर है वो ब्लू में आएगा। तो ओके पे क्लिक किया। अब देखो ओके पे क्लिक करने के बाद जब हम स्लाइड शो करेंगे, ये देखो स्लाइड शो, और यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन पे जाएंगे, तो ये लेज़र पॉइंटर यहाँ पे क्लिक किया, तो ये लेज़र पॉइंटर आ गया। ये कौन सा लिया था, ब्लू। ये देखो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमने कुछ समझाना है कि ये कहाँ पे दिया गया है, ये सेंटर में दिया गया है ये। तो इस प्रकार हम ये कलर चेंज कर सकते हैं लेज़र पॉइंटर का। अगर दूसरा हमने चेक करना है कि पेन का कौन सा कलर लिया था, यहाँ से पेन पे क्लिक किया, तो ये देखो ग्रीन कलर हमने लिया था, ये ग्रीन कलर हमने यहाँ पे लिया था, ये देखो ग्रीन कलर में आ रहा है ये। तो इस प्रकार हम यहाँ से कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके बाद एस्केप की प्रेस की, ये देखो अगर इसको कीप रखना चाहते हैं या इसको डिस्कार्ड करना है तो यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके बाद है स्लाइड शो। स्लाइड शो में अगर हमें सभी स्लाइडें चाहिए तो हम आल पे क्लिक करेंगे, सभी स्लाइडों का स्लाइड शो आ जाएगा। इसके बाद है सेकंड ऑप्शन फ्रॉम। फ्रॉम पे यहाँ पे चेक करेंगे तो फ्रॉम किस स्लाइड से लेके किस स्लाइड तक हमें स्लाइड शो चाहिए। जैसे सपोज करो फर्स्ट स्लाइड से लेके यहाँ पे थर्ड स्लाइड। इसके बाद ओके पे क्लिक किया, तो ओके पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये तीन स्लाइड है हमारे पास, इसका स्लाइड शो आएगा। ये देखो यहाँ पे हमने स्लाइड शो देखा, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये देखो इसके बाद आगे स्लाइड शो नहीं आएगा। तो यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद है कस्टम शो। कस्टम शो पे क्लिक किया, कस्टम शो पे क्लिक करने के बाद ये हमने कस्टम शो हमने जो बनाया हुआ है ये कस्टम शो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमने और भी कस्टम शो बनाए हुए हैं तो सभी आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमने एक ही कस्टम शो बनाया हुआ है तो एक ही कस्टम शो यहाँ पे आएगा। इस कस्टम शो में हमने कौन कौन सी स्लाइडें सेलेक्ट की थी, एक ये पहली स्लाइड, तीसरी स्लाइड और ये पांचवी स्लाइड, ये हमने यहाँ पे ली थी। तो ये अगर हमें चाहिए तो हम ओके पे क्लिक करेंगे, अब हम इसका स्लाइड शो करेंगे, तो स्लाइड शो में ये फर्स्ट, ये थर्ड और ये हमारी फिफ्थ स्लाइड ये चलेंगी, ये देखो। इसके बाद है एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड में यहाँ पे है मैन्युअली ऑप्शन, तो मैन्युअली यहाँ पे हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वाई डिफ़ॉल्ट इसी को रहने देते हैं यहाँ पे। इसके बाद है मल्टीपल मॉनिटर। तो मल्टीपल और मॉनिटर अगर बहुत से हैं तो यहाँ पे प्राइम, जैसे हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक रखना है या प्राइमरी मॉनिटर, तो हम यहाँ पे प्राइमरी मॉनिटर ही रखेंगे। रेजोल्यूशन है इसका, ये रेजोल्यूशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं। अगर रेजोल्यूशन चेंज करना है तो हम यहाँ से रेजोल्यूशन चेंज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार सेटअप शो में हमारे इस डायलॉग बॉक्स में ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद अगली जो हमारी कमांड है वो है हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड कमांड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई स्लाइड स्लाइड शो में नहीं चाहिए। सपोज करो हमें ये दूसरी स्लाइड स्लाइड शो में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे। तो इसके करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरी स्लाइड पे और हाइड स्लाइड यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हाइड स्लाइड पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे क्रॉस का ये चिन्ह आ गया। तो इससे क्या पता चलेगा कि जब हम यहाँ पे स्लाइड शो करेंगे तो ये जो दूसरी स्लाइड है वो हमें दिखाई नहीं देगी। हम यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम स्लाइड शो करेंगे, तो ये देखो फर्स्ट स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड है ये। तो दूसरी स्लाइड यहाँ पे शो नहीं हुई क्योंकि हमने यहाँ पे बंद कर दी है। ये तीसरी के बाद ये चौथी स्लाइड और ये पांचवी स्लाइड।
तो इस प्रकार हम किसी भी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। अगर इसको अनहाइड करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरी स्लाइड पे और फिर यहाँ पे हाइड स्लाइड कमांड पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो यहाँ से ये हाइड स्लाइड यहाँ पे हट जाएगा और अब जब हम यहाँ पे स्लाइड शो करेंगे तो ये दूसरी स्लाइड भी हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जब हम इसका स्लाइड शो करेंगे, ये देखो पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड, ये यहाँ पे आ गई और इसके बाद ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, तो ये सभी स्लाइड यहाँ पे हमें शो होंगी। तो इस प्रकार हम यहाँ से हाइड स्लाइड जो कमांड है उसको हटा भी सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सेटअप स्लाइड शो कमांड एंड हाइड स्लाइड कमांड के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।